हे क्यूटीज, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड क्यों नहीं करती हूँ। तो क्यूटीज़, मैं आ चुकी हूँ लॉन्ग वीडियो लेकर, और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि आज मैंने मंगाया है मीशो से पार्सल, और इसके अंदर हैं बहुत सारे मोतियाँ, अरे मतलब बहुत सारी बीड्स। और इसके अंदर मैं पहले से खोल चुकी हूँ क्योंकि मुझे सबर नहीं होता ना यार। एंड तो चलो फिर इसे अनपैक करते हैं। तो इसके अंदर से निकले हैं बहुत बहुत सारे बीड्स जो कि मैंने मंगाए हैं, वो भी मीशो से। और इनका प्राइस अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो क्यूटीज़, ये देखिए आप कितने सारे मोतियाँ हैं, और ये ना मुझे मिले हैं ओनली 333 में। बट एक प्रॉब्लम मुझे इनमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि ये मोतियाँ जो हैं वो बहुत कम दी हुई हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो वो सब छोड़िए, चलो फिर एक ही कलर की मोतियाँ देखते हैं। पहले है ये डार्क ब्लू कलर की मोतियाँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड देन है ये सी ग्रीन कलर की मोती। एंड गाइज, ये जो मोती में ऑनलाइन मिल जाती हैं वो नॉर्मल शॉप पे तो मिल ही नहीं पाती, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी जो स्टोर्स हैं उस पर मैंने चेक किया, लेकिन मुझे इतनी अच्छी मोतियाँ कहीं नहीं मिली। तो फिर मुझे झक मार कर ऑनलाइन मंगाना ही पड़ी, एंड ये 3-4 दिन में आ गई। तो अभी आप मोतियाँ देखो और आप मुझे बताओ कि कैसी हैं। वैसे मेरे ख्याल से 15-15 तो हैं हर चीज़ में। तो मुझे इनकी क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी लगे ये सारे के सारे बीड्स, बहुत शाइनी, बहुत प्यारे। और ये देखो मुझसे गिर भी गया। और ये वाला कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका पिंक यानी ईविल आई वाला बहुत ही क्यूट है। देन है ये वाला बीड्स एंड ये रेड कलर का, देन ये डार्क मार्बल और ये वाइट कलर का, एंड ये ग्रीन कलर के भी बहुत अच्छा है, ग्लिटरी शाइनी। एंड अब आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर मैंने इतने सारे पार्सल, मतलब इतनी सारी वीडियोस मैं डालती थी पहले, लेकिन अब मैं ज्वेलरी मेकिंग की वीडियो डालूंगी, और आई होप आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड इन सब की क्वालिटी मुझे 10/10 लगी है। जो बातें मैं आपसे कह दूं कि आप पीसेस ज़रूर मंगाइएगा, क्योंकि इसका प्राइस के हिसाब से ये मुझे वर्थ इट लगा है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपको बता दूँ कि मैंने, अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं है तो आप शॉर्ट भी चेक कर सकते हैं। बाय। आपको क्या लगा इतनी जल्दी मैं बा बोल के चली जाऊंगी? नाउ गाइस, चलो अब इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड मेरे पास बहुत सारे बीड्स हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी ये वाला बॉक्स लेके आई हूँ, मतलब ये मेरा बहुत पुराना बॉक्स है, और आपको पता है मैंने इसको ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में अपने इतने सारे बीड्स जो थे उनको इसके अंदर से निकाला है। फिर मैंने सोचा कि अब इन होल्स के अंदर मैं अपने बीड्स ऑर्गेनाइज करूँगी, तो चलो शुरू करते हैं। और ये वाला बीड्स है ना जी, मैं बहुत पुराने बीड्स हैं। सबसे पहले मैं ये टॉफी एंड क्रिस्टल बीड्स को अनबॉक्स करूँगी। एंड अभी मैं इसमें वाली वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि यार इतना शोर शराबे में मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मेरे घर में इतना हल्ला गुल्ला होता है कि मैं बना ही नहीं पाती ऐसी टाइप की वीडियो। और अगर आपको मेरी वॉइस बेकार लगी है तो मैं क्या करूँ यार, कहाँ से लाऊँ मैं इतनी अच्छी वॉइस, है ही नहीं। तो मैं तो बहुत आसान, तो प्लीज़ इन्जॉय गाइस, मेरी इतनी सी आवाज़ को आपको इन्जॉय करना होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एकदम ख़राब सी वीडियो बनाती हूँ। एनीवेज, तो चलो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते हैं। दान मैंने इसके अंदर स्काई ब्लू वाली बीड्स ऑर्गेनाइज किया है, एंड फिर मार्बल बीड्स। एंड आपको पता है इससे पहले कितने ड्रामे कर रही थी, मतलब मैं इसे ऐसे डाल रही थी या कोई नहीं रही थी, लेकिन फाइनली हमारा बीड्स ऑर्गेनाइज हो चुका है। और मैंने ना शॉर्ट भी अपलोड किया, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अगर आप शॉर्ट से यहाँ पे आओ मुझे बता देना ज़रूर से। एंड बाय क्यूटीज।